सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे हो एंड आगे सब भी बढ़िया रहे। तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्री फायर बेस्ट कस्टम HUD सेटिंग। ओके, तो गाइस आज का वीडियो को स्किप एकदम मत करना क्योंकि मैं जो भी बात बताऊंगा आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको दबा देना। ओके एंड गाइस चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले अपना जो जो फ्री फायर का जो सेटिंग है उधर को आप लोगों को ओपन कर लेना। ओके, तो गाइस आप लोगों को जस्ट ओपन करके जो कंट्रोल है इधर पे आ जाना है एंड गाइस आप लोगों को नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कस्टम HUD। ओके, तो गाइस आप लोगों को इधर पे क्लिक कर देना है। ओके, तो गाइस आप लोग जैसे इधर पे क्लिक करोगे पहले तो हम लोग जो है इसको हम लोग हटा दे रहे हैं अभी। सो गाइस मैं पहले आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों को फायर बटन कहाँ पर रखना है। ओके, तो गाइस आप लोग को क्या करते हो फायर बटन है ना जो बहुत आप लोग ऊपर में रख देते हो, इससे क्या होता है आपका जो ड्रैग हेडसेट होता है ये इसको आप लोग ड्रैग करने के लिए जस्ट थोड़ा सा जगह मिलता है। ओके, तो गाइस इस तरह से आप लोग जब ड्रैग करते हो तब एनिमी के जो बॉडी में ही लॉक हो जाता है। ओके, ऊपर नहीं जाता। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो गाइस ये जो फायर बटन है आप लोगों को एकदम नीचे रखना है। ओके, बहुत ही नीचे, जैसे आप लोगों को ड्रैग करने के लिए बहुत ही आसानी से आप लोग ड्रैग कर सकते हो बहुत ऊपर की तरफ। तो गाइस आप लोगों को इस एकदम नीचे रख देना है, देख सकते हो मैंने कहाँ पर रखा। एंड गाइस इधर पर रख देते हो ना तो गाइस देखो तुम लोग उससे डबल जगह मिल जाती है तुमको ड्रैग करने के लिए। तो गाइस इतना दूर से अगर ड्रैग करोगे तो जो गाइस जो गोली है ये एकदम एनिमी के हेड में जाएगा। ओके, एंड गाइस देख सकते हो एंड आपको इसका जो फायर बटन का जो साइज है ये कितना रखना है मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ। ओके, तो गाइस देखो इसका जो साइज है आप लोग को 50 के आसपास में रख देना है। ओके, क्योंकि आपका जो 50 के आसपास रख दोगे ना तो आपका टच करना भी जो बहुत आसानी होगी एंड गाइस जो ड्रैग करने भी बहुत आसान लगेगा। ओके, एंड गाइस आप लोग इस ट्रिक को ऑब्वियसली फॉलो करना। ओके, तो गाइस आप लोग मेरा जो सेटिंग है आप लोग देख सकते हो। ओके, तो गाइस मैं मेरा सेटिंग को पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, तो गाइस देखो ये मेरा सेटिंग है। ओके, एंड गाइस मैं इससे आप लोगों को जस्ट एक ट्रेनिंग मोड खेल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, तो गाइस सिंपली से मैं ट्रेनिंग मैच स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो गाइस रुको, तो गाइस देख सकते हो मैं इधर पे एक गन ले लेता हूँ। ओके, पहले तो मैं एक M87 ले लेता हूँ। ओके, एंड गाइस देखो इधर आपको आप जैसे इतना नीचे रखोगे ना आपका जो ड्रैग होता है आप लोग बहुत ऊपर तक ड्रैग कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो बहुत ऊपर तक आप लोग जो है ड्रैग कर सकते हो। एंड गाइस आपका जो हेड है ये भी बहुत लगने का चांस है। ओके, एंड गाइस अगर आप लोग ऊपर में रख देते हो तो गाइस आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा जगह मिलती है जिससे एनिमी के बॉडी में ही लॉक हो जाता है। ओके, देख सकते हो और ऊपर नीचे रखोगे तो गाइस ये जो ड्रैग होता है ये आपको करने में बहुत आसानी होगी। एंड गाइस आप लोगों को और एक बात है जो मैं बता रहा हूँ। ओके, एंड गाइस आप लोग और एक जो गलती कर देते हो वो है अपना जो एम को होता है ना आप लोग हमेशा नीचे रख देते हो। ओके, गाइस एम को हमेशा ऊपर की तरह रखना है जो कि आप लोग जो एम जो गोली मारोगे ना गाइस वो जो गोली है बहुत ऊपर की तरह मतलब एनिमी के बॉडी के बीच में रखना है एम को। ओके, नीचे नहीं रखना, नीचे रख दोगे तो आपका जो ड्रैग हेड जो भी हेड मारोगे ना नहीं लगेगा, पैर में जाके गोली लगेगा। एंड गाइस आप लोग क्या करते हो जब एनिमी राइट में जाता है आप लोग सीधे गोली मारते हैं इसलिए आपका जो गोली है ये नहीं लगता। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है देख सकते हो, अगर राइट से आए तो राइट तरफ मूव करना है, अगर लेफ्ट से आए तो लेफ्ट तरफ मूव करना है। ओके, एंड गाइस आप लोग ऐसा जब भी कर देते हो आपका जो हेड होता है बहुत ज़्यादा लगने का चांस है। ओके, तो गाइस देख सकते हो यही है आज का वीडियो। एंड गाइस अगर आप लोगों का सेटअप ग्लू वॉल नहीं लगता तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में सेटअप ग्लू वॉल का जो ट्रिक है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड गाइस चलो आज का वीडियो इधर पे ही एंड करते हैं। ओके,